नहीं करूंगी मैं जो हूँ वही रहूंगी। और मैंने भी यही बोला है कि आपको जैसे रहना है वैसे रह सकते हो, आपको पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान अंजू, आप पाकिस्तान क्यों गई? में मैम इसलिए आई हूँ कि मैं जिससे बात करती थी, जिसके कांटेक्ट में थी, और उनसे मिलने के लिए और उनकी पूरी फैमिली के साथ मिलने के लिए, और यहाँ का जो मतलब घूमने का यहाँ पे जो ये सारा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आप किन से बात करती थी? कौन और है? हम काफी टाइम से बात कर रहे थे। वो नसरुल्ला है जो जिससे मेरी फेसबुक पे पहले सबसे पहले कांटेक्ट हुई थी, और उसके बाद व्हाट्सएप पे। ये कब से बात हो रही है जी आपकी? मेरी 2020 से हो रही है। आपके घर वालों को पता है कि आप पाकिस्तान गई हैं? हाँ, मैं जब यहाँ आ गई थी तो मैंने बता दिया था, मुझे इसका पता चल गया। अच्छा, आपके हस्बैंड से बात हुई थी। उनका कहना है कि जब आप पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही थी तो इसकी जानकारी उनको नहीं थी, तो आपने बिना बताए वहां से क्यों निकली आप घर से? क्या आप पाकिस्तान जा रही हैं, आपने ये उन्हें इत्तला नहीं की थी? नो क्यों? मैम, ये नहीं, वैसे नहीं बताया था कि वैसे वहां जाने के लिए आपको पता है कि मना करेंगे, और मैंने ये सोचा था मैं बॉर्डर के पास जाऊंगी पहले। मुझे ही नहीं, ये क्लियर था कि अगर मैं जाऊंगी प्रोसेस लॉन्ग होगा, एंटर होंगी कि नहीं होंगी, क्या हो सकता है, इसलिए तो मैंने, जब मैं पार चली जाऊंगी तो मैं उनको कॉल करके बता दूंगी, और फिर मैंने वैसे सबको बता दिया। अच्छा, तो पाकिस्तान जाने के बाद आपकी आपके हस्बैंड से बात हुई? लगातार सबसे बात हो रही थी जब तक बच्चे वहां पे थे, जब तक बात हो रही थी, जब से हो रही थी, जब से आई हूँ तब से लगातार बात कर रही थी। क्या नसरुल्ला भी शादीशुदा है? जी मैम बताएं। नहीं, बस हमारी बात हो रही थी और हम चाह रहे थे हमने एक बार मिल के, और ऐसा ना हो कि हम फेसबुक से मिले हैं, इस तरीके से ठीक नहीं है, और हम इसलिए चाह रहे थे कि वैसे हम मिले एक बार। मेरा ये था कि मैं इधर आके मैं सारा सब कुछ देख सुन के इंसान कैसे हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी सोशल मीडिया से नहीं, और मैं यहाँ पे देखना चाह रही थी, अगर ऐसा होगा तो मैं सगाई कर लेकिन आपकी तो यहाँ पे शादी लूंगी। हो रखी है, तो क्या आप अपने हस्बैंड को यहाँ पे डिवोर्स देंगी? जी मैं यहाँ पे एंगेजमेंट करके, ऑनलाइन एंगेजमेंट करके, और फिर मैं उधर आऊंगी, फिर उसके बाद जो वहाँ का प्रोसेस है वो करूंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सगाई करती हैं तो क्या शादी का भी इरादा है आपका? आपकी वो आगे देखेंगे, सगाई कब है? अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, और जब मैं जब से आऊंगी उधर तो एक दिन पहले ही करूंगी, क्योंकि अगर मैं वापिस आऊंगी तो मैं उनके पास नहीं आऊंगी, मैं अपने बच्चों के लिए आऊंगी। भारत वापस आने का कब सोचा आपने? बस जल्दी आ जाऊंगी, बस 2 4 दिन में ही आ जाऊंगी। कितने दिन का वीजा है आपके पास? एक महीने का है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप आगे अपना भविष्य नसरुल्ला के साथ कैसा देखती हैं? सही है, अच्छा है, अभी भी तो सही रहा है, तो आगे भी सही होगा। पाकिस्तान आपको कैसा लग रहा है वहां पे? उनका घर कैसा है? आसपास कैसा है? ये घर वगैरह तो ये पहाड़ियों में बना हुआ घर है, और जैसे मनाली शिमला है ना, वैसे ही दिखता है यहाँ पर, शिमला वैसे पहाड़ों के ऊपर ही रहते हैं घर बने हुए हैं। आसपास सब लोग कैसे हैं? कैसे किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं वहां पर? अच्छे हैं लोग, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और पठान लोग हैं ये तो अच्छे से खातिरदारी करते हैं, और कोई ऐसे जोर जबरदस्ती कोई दबाव किसी बात के लिए नहीं है, बहुत ख्याल रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कब जाना है आपको, कह सकते क्या उन लोगों को ये पता है कि हैं आप शादीशुदा हैं पहले से? सब कुछ पता है, बच्चों के बारे में पता है, सब कुछ पता है। इस्लाम नहीं करूंगी मैं जो हूँ वही रहूंगी। और मैंने भी यही बोला है कि आपको जैसे रहना है वैसे रह सकते हो, आपको पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसी कोई पाबंदी नहीं है।